STPT इज ए ओपन स्टैंडर्ड। जो STP के बैकएंड में ऑर्गेनाइजेशन है वो है IEEE802.1D। वन डी जहां पर भी 802 आ जाए आपके ब्रेन में होना चाहिए कि ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, STP। जी सर, 802.1D। STP प्रोवाइड्स लूप फ्री शोर टेस्ट पाथ। STP के बैकएंड में जो एल्गोरिथम है वो विच वन? STS स्टैंड्स फॉर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम जो लेयर टू डिवाइसेस में लूप बनेगा उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। विच वन? STP प्रोटोकॉल। लेयर थ्री में बात करें लूप रिमूविंग की तो उसमें क्या था, TTL। और लेयर टू के अंदर कौन होगा, STP। ये सिनेरियो है पीसी है 10.001, 10.002, F01। F01 ये इंटरफेसेस पे कनेक्टेड है, इस टाइप से नेटवर्क है। क्या 10.1 10.2 को पिंग करेगा? यस और नो? क्यों नहीं करेगा? गलत कह रहे थे आप लोग, पिंग करेगा ये, याद रखना। छोटा सा क्वेश्चन था, देखा कुछ नहीं पूछा उसने, छोटे छोटे क्वेश्चन पे एंडिंग करेगा वो। दो रीज़न है दोस्तों पिंग होने के, समझा रखा है पहले भी, सेम सबनेट सेम वीलैन। राइट, वीलैन भी क्या है, वन है, और सबनेट भी क्या है, 10 का, कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। राइट, अब इस नेटवर्क के अंदर क्या है, लूप बनने के चांसेस है 0013, ये मैक एड्रेसेस है। राइट, ईच इंटरफेस का मैक होगा 0017, 0019, 0017, 0096। क्या हो गया? कोई नहीं, होता है।
ओके, सोर्स क्या है 10.1, डेस्टिनेशन क्या है 10.2, सोर्स मैक अपना डेस्टिनेशन मैक FFFF, आर प्रिजोल है तो डेस्टिनेशन प्रॉपर आ जाएगा 0013। ट्रैफिक यहाँ पे आया, इस इंटरफेस पे आएगा तो मैक क्या लग जाएगा 0017। फिर यहाँ पे आएगा सोर्स मैक चेंज होता रहेगा, क्या लग जाएगा 0019। फिर क्या लग जाएगा 0017। फिर यहाँ पे आएगा 0096 और यहाँ पे मैच हो जाएगा। क्यों? आईपी एंड मैक के बिहाफ से। जो लेयर 3 टेक्नोलॉजी थी, लेयर 3 के अंदर आईपी के बिहाफ से मैच होता था और लेयर 2 में मैक प्लस आईपी के बिहाफ से मैच होगा, राइट? अब यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम एक्नॉलेजमेंट। अब सपोज करो ये लिंक डाउन हो जाए, दोस्तों लिंक डाउन होते ही इशू है, उस इशू का सॉल्यूशन क्या है? मैं एक वायर और कनेक्ट करूं, राइट? 1718 मैक एड्रेस सपोज करो 0ACC। अब ये लिंक डाउन नहीं है, वर्किंग है। ट्रैफिक आया, पिंग हो गया, गुड है। कुछ टाइम बाद आपका जहाँ पे आपने रीच करना था वो डेस्टिनेशन क्या हो जाए, डाउन। सपोज जैसे आपका डेस्टिनेशन डाउन होगा, यहाँ से आपका ट्रैफिक चला पिंग करने के लिए, सोर्स क्या है 10.1, डेस्टिनेशन क्या है 10.2, सोर्स मैक क्या है अपना, डेस्टिनेशन मैक क्या है 0013। यहाँ पे पहुँचा, सोर्स मैक क्या लग जाएगा 0017 A7 है। यहाँ पे पहुँचा क्या लग गया 19, यहाँ पे पहुँचा क्या लग गया 17। जब यहाँ पे ट्रैफिक आया तो इस इंटरफेस ये सर्च करेगा, नहीं मिला। अब इस इंटरफेस को क्या लगेगा कि जनरेट करने वाला कौन है 17। यहाँ से सोर्स मैक क्या लग जाएगा 0ACC और अगेन ट्रैफिक कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्विच पे, इस पे मैक क्या लग जाएगा 1718। वो अगेन सर्च करेगा, वो देखेगा एक पॉइंट यहाँ से भी निकलने का है, क्या लग जाएगा 0019। कंटिन्यूस ट्रैफिक कैसे क्या होता रहेगा, लूप में आ जाएगा, राइट? उस लूप को अवॉइड करने के लिए हम क्या लॉन्च करेंगे, एसटीपी। एसटीपी के बैकएंड में एसटीए। अब रूल्स है, इफ यू आर स्विच और स्विच टू स्विच कनेक्टेड मल्टीपल लिंक्स, क्या अब तक आपके 24 लिंक्स कनेक्टेड हो तो वर्किंग क्या होगा, ओनली वन। 23 लिंक एज ए क्या काम करेंगे, बैकअप। यदि स्विच टू स्विच आपने दो लिंक्स कनेक्ट किए हैं तो दो में वर्किंग क्या होगा, ओनली सिंगल। एक लिंक क्या रहेगा, डाउन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ रहा है, एसटीपी, क्योंकि नेटवर्क में क्या बन रहा था, लूप, और लूप को अवॉइड करने के लिए क्या आ गया, एसटीपी। अरे एग्री हो, ये लॉजिकली डाउन रहेगा ये लिंक, ये लॉजिकली डाउन रहेगा, राइट? एक लिंक, और एक लिंक क्या होगा, वर्किंग। और जैसे ही डाउन आएगा तब ये लिंक क्या होगा, अप। अब आपका कोई ट्रैफिक आता है और डेस्टिनेशन आपका डाउन पड़ा है तो यहाँ से तो एंट्री करने वाला नहीं ना, क्योंकि यहाँ से तो उसने क्या किया था, इन किया था, राइट? यहाँ से एंटर करेगा नहीं क्योंकि लॉजिकली क्या है, डाउन। जब ये एंट्री इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि जनरेट करने वाला कौन है 17। फिर यहाँ पे पहुँच गया, इसको क्या लगता था, ये राइट, तब क्या बन रहा था, लूप। अरे आया समझ में? ठीक दोस्तों, एक सेटअप बनाएंगे जिसमें इश्यूज होंगे, उस इश्यूज का सॉल्यूशन होगा और काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। जीरो जीरो वन ए, 001B, 001C,
0 0 1 D, ये इंटरफेस है F0, वन वन टू F01, यहाँ पे P लॉन्च होगा। P स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी 32768। प्रायोरिटी नंबर है, ईच स्विच पे बाय डिफॉल्ट नंबर होता है। ये वर्क में कब आता है, तब आपका एसटीपी में रूट बेस का इलेक्शन है। दो चीज चाहिए इसके अंदर, प्रायोरिटी प्लस मैक। जब प्रायोरिटी प्लस मैक कंबाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, BID। BID स्टैंड्स फॉर ब्रिज आइडेंटिटी। एवरी स्विचेस हैज BID। जितने भी स्विच है सबके पास अपनी BID बनेगी, और किसके भी आपसे प्लस मैक। जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगी या लोएस्ट BID, लोएस्ट BID विल बी बिकम रूट ब्रिज। और लोएस्ट BID के अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं वो किसके भी आपसे डिसीजन लेते हैं, प्रायोरिटी के भी आपसे, राइट। तो बताइए हु इज रूट ब्रिज यदि प्रायोरिटी के बेस पे डिसीजन हो तो? सेम है, लोएस्ट प्रायोरिटी विल बी बिकम रूट ब्रिज इफ मैच। यदि मैच हो जाए तो नेक्स्ट किस पे ध्यान देंगे, मैक पर। और जो आज ये मैक है ना, ये मैक, ये स्विच का मैक है, इंटरफेस का नहीं, राइट। इसका मीनिंग स्विचेस का भी मैक होता है। किसके थ्रू चेक करेंगे, वही कमांड शो वर्जन, वर्जन पे दिखा देगा। काफी लोग स्विच के मैक को ही बोलते हैं ईथरनेट बेस मैक एड्रेस। तो कौन बनेगा रूट बीज, जो भी डिसीजन होता हो फर्स्ट हेक्सा में हो जाता है। इफ मैच देन किस में जाता है, सेकंड में। तो भाई फर्स्ट हेक्सा डेसिमल सबका क्या हो गया, सेम। राइट, इफ मैच तब किसके अंदर जाएंगे, सेकेंड। क्या सेकेंड चेंज है, मैक्स सेम हो ही नहीं सकता। पता है आप लोगों को IEEE क्या देता है, यूनिक
मैक एड्रेस। समझाए थे आप लोगों को पहले ही, 001 है लोवेस्ट है, राइट। तो ये क्या बनेगा, प्रायोरिटी प्लस मैक लोवेस्ट है तो क्या बन जाएगा, इट इज ए रूट ब्रिज। लोवेस्ट बीआईडी विल बी बिकम रूट ब्रिज, अरे एग्री हो। और जो रूट ब्रिज बनेगा उसके दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट। डीपी स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड पोर्ट, और डीपी के सामने शोर शॉर्ट है क्या बनेगा, आरपी रूट पोर्ट। अब क्वेश्चन है अदर स्विचेस गो टू रूट ब्रिज। अदर स्विच इन द सेंस, इसको मैं स्विच वन मान लूं, इसको स्विच टू, इसको स्विच थ्री, इसको स्विच फोर। अब स्विच थ्री ने कहाँ पे रीच करना है, रूट ब्रिज पे। तो जाने के कितने पाथ हैं, तो लूप बना हुआ है। उस लूप को अवॉइड करने के लिए कौन आ रहा है, एसटीपी, और एसटीपी के बैकएंड में एसटीए, राइट। अब जाने के दो पाथ है भाई, एक ये और एक ये। तो अब देखते हैं कोस्ट, कोस्ट प्री डिफाइंड है। जब आप लोग 100 एमबीपीएस का लिंक बाई करते हो तो कोस्ट क्या मिलेगी, 19। इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्री डिफाइंड है, आई ट्रिपल ई ने डिफाइन करके दिया हुआ। 1 GBPS की अलग है, 10 GBPS की अलग है, दिखाएंगे। तो मेरे पास लिंक कौन सा चल रहा है भाई, 100 MBPS का, तो कॉस्ट क्या आई, 19, ठीक है जी। अब दो लिंक है जाने के, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कॉस्ट बताओ टोटल कितनी आई, कोस्ट आई 38। इस लिंक से कोस्ट क्या आ रही है टोटल रूट बीज तक, 19 प्लस 19 38, और इससे क्या आ रही है, 19 प्लस 19 38। लोवेस्ट कोस्ट विल बी प्रेफर्ड, अदर स्विचेस गो टू रूट बीज, तो प्रेफरेंस किसको देगा, लोवेस्ट कोस्ट को। क्या कोस्ट मैच हो गई, इफ मैच, यदि कोस्ट मैच हो जाए तो नेक्स्ट देखेगा वो लोवेस्ट बीआईडी। अब किसकी लोवेस्ट बीआईडी है, इसके फ्रंट में, इसके नेबर में, वन पी, तो इस पोर्ट को क्या बना देगा वो, डीपी, और इसको बना देगा आरपी, और इसको क्या कर देगा, ब्लॉक। इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग या डायरेक्ट एनडीपी, राइट, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, और इसको क्या कर देगा, डीपी। करो भाई नोट दोस्तों, ये लिंक जैसे आपका, बस अब जैसे लिंक आपका कोई भी लिंक डाउन जाएगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अप, राइट। बट ये अप आने का रीजन क्या होगा, कोई भी अदर लिंक डाउन जाएगा देन ऑटोमेटिकली, अदरवाइज ना इससे कोई डेटा इन होगा ना डेटा कोई आउट होगा, ये ब्लॉक हो चुका है लॉजिकली, राइट। तो 00 30 00 60 00 E0 00 90। तो E0 तो वैसे आउट हो गया हेक्सा में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझाया था आपको। 10 रिप्रेजेंट करता है A, B C D E F तक, तो E तो वैसे ही क्या हो गया आउट, बचा क्या 30 60 एंड 90, विच वन लोएस्ट,
कनेक्ट कर दो, देखते हैं। स्नैरियो है आज ये पोर्ट भी अप होने में कितना टाइम लगाता है, जैसे एक रेड लाइट पे सिंबल होता है प्रॉपर वही है, समझाएंगे। शो स्पैनिंग ट्री, दैट कमांड वी कैन चेक एचटीपी इंफॉर्मेशन, क्या बता रहे हैं VLAN 001 बाई डिफॉल्ट है स्पैनिंग ट्री, IEEE का स्टैंडर्ड एक्सप्लेन किया था। प्रायोरिटी क्या बताई थी आप लोगों को, 68 इसमें क्या आ रही है 9, बट बाई डिफॉल्ट क्या होती है 32768। VLAN क्या हो जाता है एड ऑन, तो 32768 प्लस 1 क्या हुआ 32769, बताएंगे भाई क्या चीज है कैसे, राइट। हेलो टाइम कितना है 2 सेकेंड, इसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों क्या है सेम है, देखना 0030 और 0030, क्यों भाई ये खुद में क्या है रूट ब्रिज, बट मैं सेकंड स्विच पे जाता हूँ उसकी रूट आईडी और बी आईडी क्या मिलेगी डिफरेंट, जो रूट आईडी है वो ग्लोबली इम्पैक्ट करती है और जो बी आईडी होती है वो लोकली इम्पैक्ट करती है, आना भाई। शो स्पैनिंग ट्री IEEE 0030 किसकी इंफॉर्मेशन है, जो रूट ब्रिज है टॉप में, और ये क्या है 00, ये किसकी है ये सेल्फ की है खुद की। अब मैं कहाँ पे चलूँ, जीरो जीरो किसकी और 00 सेल्फ की, ऐसा ही बताया था। थ्री जीरो किसका रूट बेस और ये किसका है सेल्फ, क्लियर हो, क्लोज करो। शो स्पैनिंग ट्री क्या रहे हैं पोर्ट डेजिग्नेटेड, क्या बोला था रूट बीज के सभी पोर्ट क्या बनेंगे डेजिग्नेटेड और किस स्टेट में है फॉरवर्डिंग, टाइप क्या रहे पॉइंट टू पॉइंट, बताएंगे भाई कोस्ट वगैरह 128 करेंगे डिस्कस। अब मैं चलता हूँ, ये डीपी है तो इसके सामने क्या बना होगा और ये भी डीपी है तो इसके सामने क्या बना होगा, आइए ऐसा ही है रूट विथ स्टेट फॉरवर्ड और कोस्ट क्या आ रही है, इसका मीनिंग इसके पास भी दो पाथ है एक नीचे से और एक ऊपर से, ऊपर से कोस्ट क्या आ रही है 19, अरे डायरेक्ट है ना, और नीचे से कोस्ट कितनी आएगी 57, अरे 19 प्लस 19 और प्लस 57 आएगी ना भाई, ये लो।
दो लिंक है जाने के, लेफ्ट एंड राइट। कैरी कॉस्ट 38। इस लिंक को इसने प्रेफरेंस दी है, मतलब दो लिंक है इसको प्रेफरेंस दी है, बट क्यों बताते हैं, पहले तो कॉस्ट क्या आ गई सेम, नेक्स्ट क्या देखा उसने इन फ्रंट ऑफ बीआईडी, तो बीआईडी 0060 और 0090 किसकी है लोएस्ट, 60, तो इस पोर्ट को क्या बना देगा डीपी, इसको क्या बना देगा आरपी, क्या रियली आरपी बना दिया, और जो आपका बैकअप पोर्ट है उसको क्या कर देगा ब्लॉकिंग, राइट। ये जो पोर्ट है वो क्या है डीपी, एनडीपी के फ्रंट में ऑलवेज क्या बनेगा डीपी, एनडीपी के फ्रंट में। और ये भी याद रखना दो लिंक मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, एक आरपी बनेगा और एक डीपी, दोनों डीपी नहीं हो सकते, दोनों आरपी नहीं हो सकते। एक रूल्स और है, जो भी रूट बीज होगा उसके ऑल पोर्ट्स क्या बनेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट बीज के सभी पोर्ट क्या बनेंगे भाई डेजिग्नेटेड पोर्ट, एग्री हो चाहे चेक कर लो। आओ क्या रहा है, चाहे यहां पे कितने भी स्विच कनेक्ट कर दो रूट बीज के साथ, रूट बीज के सभी पोर्ट क्या बनेंगे डेजिग्नेटेड, अरे एग्री। अब ये स्विच है स्विच फोर, कहां पे रीच करना है स्विच वन पे, दो लिंक थे क्या हो गया बैकअप, और सारा ट्रैफिक एसिड है, यहाँ तक कि स्विच फोर ने स्विच थ्री पे भी जाना है ना, तब भी ट्रैफिक कैसे रहे ऐसे जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा था लूप, लूप के अकॉर्डिंग क्या कर दिया उसको ब्लॉक, ठीक है। और जैसे आपका ये लिंक डाउन जाता है, करे डाउन ऑटोमेटिक अप आएगा। अब इस अप टाइम पीरियड में भी कितना टाइम लगता है एक्सप्लेन, आ गया आप, आओ भाई क्या गया रूट विथ स्टेट फॉरवर्डिंग कैरियर कॉस्ट 38। अगेन कहते हो आप आ गया, मतलब कनेक्ट किया आपने, अगेन लूप बनने के चांसेस हैं, अगेन इलेक्शन होगा, देखते हैं हु इज आरपी एंड हु इज DP, अगेन वही प्रोसेस सेम फॉलो अप होगा। आया आप, चेक कर लो शो राइट। आप नहीं चाहते कि ये रूट बीज बने, कोई कंडीशन है ओल्ड कैटेगरी का स्विच है, तो दोस्तों हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं प्रायोरिटी, हाउ इट इज पॉसिबल शो स्पैनिंग ट्री, कितनी कर सकते हैं मिनिमम 0 और मैक्सिमम 61440, ब्रिज प्रायोरिटी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096, इसका तो इंक्रीमेंट मिनिमम चलेगा, मैंने नंबर रॉन्ग टाइप कर दिया 45, मैंने बोला ये नंबर जैसे 45 टाइप किया तो उसने बोला ये नंबर क्या है रॉन्ग, ये नंबर कहाँ से चलेगा जीरो से और यहाँ से,
एग्री, शो नहीं हुआ वो नंबर चेंज, तो भाई क्या करें, नंबर सेट किया 4096, एक्सेप्ट किया, नोट करो हाउ टू चेंज स्विच प्रायोरिटी। दोस्तों शो स्पैनिंग ट्री क्या की थी, प्रायोरिटी सेट, दोस्तों प्रायोरिटी क्या थी 4096, राइट, शो स्पैनिंग। अब इसके जो पोर्ट है क्या बताया था, रूट बीज के सभी पोर्ट क्या बन जाते हैं, डेजिग्नेट। स्टेट क्या है, कोस्ट क्या रही है, 9। और जो रूट बीज है ना ये हाईलाइट किया है, यहाँ कोस्ट नहीं दिखा रहा, इसने कहीं पे थोड़ी जाना है, जाएगा तो कौन, अदर स्विचेस, ये देखो ये स्विच जाएगा कहाँ पे, इस तक शो क्या रही है, कोस्ट, दो लिंक है इसके पास जाने के, एक टॉप से एक डाउन से, सबसे पहले क्या देखेगा, कोस्ट, कोस्ट क्या हो गई सेम, नेक्स्ट क्या देखेगा, बीआईडी, तो 0030 और 00E0 किसकी लोएस्ट बीआईडी है, 30, तो इस पोर्ट को क्या बना देगा, डीपी, इसको क्या बना देगा, एनडीपी, ये लो ऐसा ही है भाई, इसको क्या बना देगा आरपी, मैंने डीपी बोल दिया रॉन्ग है वो, इसको क्या बना देगा आरपी, इसको क्या बना देगा एनडीपी, और इसको क्या बनाएगा डीपी। दोस्तों एक चीज याद और रखना, जैसे आपका प्राइमरी लिंक डाउन जाता है राइट, क्या जाता है प्राइमरी लिंक, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा अप, और जो एनडीपी है वो अपने आप को क्या बना लेगा आरपी, क्या बना लेगा आरपी। ये स्टेट है दोस्तों, इन स्टेट को बनाना आप लोग, ब्लॉकिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, फॉरवर्डिंग, रिसीव, जस्ट ये स्टेट नोट करना है, इनके बारे में थ्योरी नहीं, थ्योरी आगे डिस्कस करें। पहले स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग, नेक्स्ट क्या है लिसनिंग, देन लर्निंग, देन फॉरवर्डिंग, देन डिसेबल्ड। दोस्तों इन स्टेट के बाद आपका इंटरफेस अप आता है, कैसे काम करता है डिस्कस करें। आपको समझाया था किसका स्टैंडर्ड है, आई ट्रिपल ई का 802.1D है राइट, क्या प्रोवाइड करता है, लूप फ्री शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसा ही है। दोस्तों अभी एक कोस्ट की बात कर रहा है राइट, 10 Gbps का आप लिंक बाई करते हो तो कोस्ट क्या मिलेगी 2, 1 Gbps का बाई करते हो कोस्ट क्या मिलेगी 4, 100 Mbps का बाई करते हो कोस्ट क्या मिलेगी 19, 10 Mbps का बाई करते हो कोस्ट क्या मिलेगी 100। नोट कीजिए कोस्ट बेटर है, ये नोट मत करना 1 1 10 100। हाँ सर ये रिवाइज्ड है राइट, रिवाइज्ड वाली नोट करना, ओल्ड वाली नहीं। द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्टेब्लिश ए रूट नोड कॉल द रूट बेस स्विच, ऐसा हुआ आपकी टोपोलॉजी के अंदर, जैसे आपके स्विचेस ऑन हुए उसने किसको फाइंड आउट किया, रूट ब्रिज को। सेकंड क्या, द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कंस्ट्रक्ट ए टोपोलॉजी दैट हैज वन पाथ फॉर रीचिंग एवरी नेटवर्क, एक ही पाथ था सोर्स टू डेस्टिनेशन राइट। नेक्स्ट क्या है, जहां पे भी उसको लिंक में लूप लगता है उस लिंक को क्या कर देता है ब्लॉक, और नेक्स्ट क्या है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन इन एंड आउट होती है वो किसके भी आपसे आउट होती है, BPDU, BPDU स्टैंड्स फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, एंड BPDU इनफ इंफॉर्मेशन हु इज RP, हु इज DP, हु इज NDP एंड हु इज रूट ब्रिज, एवरी स्विच इज BPDU जनरेट करता है, वो BPDU के अंदर इंफॉर्मेशन होती है क्या क्या, हु इज द रूट ब्रिज, हाउ फार इज द रूट ब्रिज, कोस्ट भी कैलकुलेट होके मिलती है ना,
नेक्स्ट क्या है, बीआईडी, जब कोई भी स्विच अपना बीपीडी आउट करता है तो किसके साथ आउट करता है, बीआईडी के साथ। और नेक्स्ट क्या है, पोर्ट आईडी, एक्सप्लेन करेंगे। जो भी पहले डिसीजन होता है नेटवर्क के अंदर वो किस पे होता है, रूट बेस पे। सेकंड के अंदर बोल रहे हैं कि जो आपका बीपीडी आउट होता है वो किसके साथ होता है, बीआईडी के साथ आउट, राइट। जो बीआईडी बनती है प्रायोरिटी प्लस मैक से बनती है। थर्ड पैरे के अंदर बोल रहे हैं, जैस फोर्थ के अंदर, कि जैसे स्विचेज ऑन होते हैं अपने आप को क्या अनाउंस करते हैं, रूट ब्रिज, बट वो बीआईडी आउट होती है स्विच वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से वन, तब पता चलता है लोएस्ट विच वन, राइट। बट जैसे स्विचेज ऑन होंगे अपने आप को क्या अनाउंस करेंगे, रूट ब्रिज। फोर्थ पैरा के अंदर बोल रहे हैं कि यदि एक एडमिन चाहे तो क्या चेंज कर सकता है, प्रायोरिटी, वो चेंज करके भी दिखाई। आप चाहते हो वो रूट बेस बने, दोज रूट बेस, डिपेंड्स ऑन यू। कर सकते हैं हम प्रायोरिटी वैल्यू, नोटेड आपकी नोटबुक में। इसके अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहा है, वन रूट बेस पर नेटवर्क, एक ही रूट बेस बनेगा पर नेटवर्क पे। ऐसा ही हुआ, दो रूट बीज नहीं हो सकते ऐसे, डी आर बी डी आर, क्या दो डी आर बी डी आर हो सकते थे, नहीं भाई, एक ही डी आर बनेगा। वन रूट पोर्ट पर नॉन रूट बीज, मीनिंग जो नॉन रूट स्विच होता है उस पे एक ही क्या बनेगा, आर पी। मान ले ये तो एक ही लिंक थे हमारे पास, मान ले डबल लिंक थे, मल्टीपल लिंक हो जाए, एक ही क्या बनेगा, आर पी, और सारे क्या बनेंगे, बैकअप लिंक। नहीं तो आप बता दो, जहाँ जिस स्विच पे मल्टीपल लिंक थे, क्या मल्टीपल एग्जिट थे उससे जाने के, नहीं, सिंगल एग्जिट था। वन डेजिग्नेटेड पोर्ट पर सेगमेंट, एक पीयर के बीच में एक आरपी बनता है और सेकंड क्या बनता है, डीपी। दोनों एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक आरपी है, दूसरा क्या बनेगा, डीपी है, डीपी है तो क्या बनेगा, आरपी। दोनों क्या नहीं हो सकते, डीपी, और दोनों क्या नहीं हो सकते, आरपी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अनयूज्ड, जितने भी अनयूज्ड पोर्ट है सारे क्या बनेंगे, नॉन डेजिग्नेटेड। और एक चीज याद रखना, जो आरपीडीपी है उससे बीपीडीयू इन भी होगा आउट भी होगा, एंड डेटा इन भी होगा आउट भी होगा। नेक्स्ट जो एनडीपी है वो ओनली बीपीडीयू को रिसीव करता है बट डज नॉट सेंड। अब कहोगे बीपीडीयू को रिसीव क्यों कर रहा है, भाई तभी तो पता चलेगा कि अदर लिंक डाउन है। यदि कुछ डाउन हुआ, कुछ इश्यूज हुए नेटवर्क में, तो उसको पता कैसे चलेगा, बीपीडीयू रिसीव, तो उसको पता कैसे चलेगा। तो कंटिन्यूस बीपीडीयू क्या करेगा, रिसीव, बट वो क्या नहीं कर सकता, सेंड नहीं कर सकता। सेकंड थिंग, एनडीपी पोर्ट से डेटा नहीं जाता, ना डेटा इन होता है ना डेटा आउट होता है। ये थ्री पॉइंट्स नोट कर लो, बेटर होगा, रूट पोर्ट, नॉन डेजिग्नेटेड एंड थर्ड नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को अप आने में टोटल टाइम पीरियड लगता है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। 20 सेकेंड होती है ब्लॉकिंग, 15 होती है लर्निंग, 15 होती है लिसनिंग, और 2 सेकेंड होता है फॉरवर्डिंग। टोटल कितना हो गया, 52। इस चार्ट को बना लो दोस्तों। ब्लॉकिंग तो आपको पता ही है, स्टेट है, ब्लॉकिंग पढ़ा था, अल्टरनेट ब्लॉकिंग, वो पोर्ट अप आता है तो किस स्टेट में जाएगा, लिसनिंग में। लिसनिंग में किसका इलेक्शन होगा, आरपी डीपी इलेक्शन, हु इज आरपी एंड हु इज डीपी। उसके बाद किस स्टेट के अंदर जाएगा, लर्निंग। लर्निंग में वो मैक को लर्न करेगा, सोर्स मैक, जो उसके नीचे स्विच लगे हुए हैं उसकी मैक की अंडरस्टैंडिंग करेगा, मैक को लर्न करेगा। अंडरस्टैंडिंग क्या, मैक को लर्न करेगा, कहीं मैक क्या ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट, अदर इश्यूज क्रिएट हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, बट वो तब भी क्या करेगा, लर्न। अगेन कितना टाइम लेगा, 15 सेकेंड, देन फॉरवर्ड। एसटीपी का टोटल टाइम पीरियड है 52 सेकेंड, बट जो एक्चुअल गेम करता है वो करता है 32 सेकेंड के अंदर। भाई ब्लॉकिंग तो पढ़ाई है, ब्लॉकिंग से किसमें आएगा, और लिसनिंग टू और लर्निंग टू, तो कितना टाइम लगा, 30।
कोई आप लोगों से पूछे कि एसटीपी का टोटल टाइम पीरियड क्या है, तो क्या दोगे आंसर? 52। एक्चुअल गेम कब करता है? 32 सेकेंड। तो डिवाइस को क्या करते हैं? ऑफ। और जैसे ऑफ करोगे यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइस को ऑफ करते हैं, प्रोसेस चल रहा है, पहले ऑन हो जाने देते हैं। एंटर, शो स्पैनिंग ट्री विथ स्टेट। नहीं आएगा अभी आप लिसनिंग के बाद किस में जाएगा? लर्निंग। लर्निंग में भी अब नहीं आएगा, राइट? ये कब आएगा? फॉरवर्ड। विथ स्टेट अब ये आ पाए, राइट? लिसनिंग में RPDP का इलेक्शन करता है, लर्निंग में मैक टेबल मेंटेन करता है। आना, शो मैक एड्रेस टेबल, दैट कमांड वी कैन चेक मैक टेबल, राइट? लर्न किया हो, है ना? और ये जो मैक आ रखे हैं ये सामने वाले स्विच के हैं, इस स्विच के, इस पोर्ट के और इस पोर्ट के, राइट?